Hi, if you talk about CET with anybody about CET and CAT, everybody will say ek hi baat hai, ek bar CAT prepare kar liya to CET apne aap ho jayega. But the problem is CAT is like playing against Australia in Australia, where the fielding is bad, bowling is bad, everything is like CAT. CET on the other hand is playing against Bangladesh. So there's a main advantage of the CET exam is like you are playing against Bangladesh. But playing against Bangladesh have got two main problems. Number one main problem is overconfidence. सबको लगता है कि वो निकाल लेगा. अभी आई डोंट नो इफ यू सीन एशिया कप, इफ यू आर फॉलोइंग क्रिकेट, इंडिया बांग्लादेश से हारते हारते बचा. ट्रस्ट मी यार, अगर इंडिया बांग्लादेश से हार जाता यू वुड हैव गेन्ड 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, बिकॉज हर हफ्ते हर वीडियो में एग्जांपल दे दे के तुम लोग को दिखाता कि भाई बांग्लादेश इतना ईजी नहीं है. तो सेम वे सी ई टी ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम इज वी ट्रीट सी ई टी एट बांग्लादेश. 200 मार्क का पेपर, 75 लॉजिक, 25 विजुअल, 50 क्वांट एंड 50 वर्बल. सो इफ दिस इज दैट इजी, 100 मार्क्स स्कोरिंग इज नॉट अ मेन प्रॉब्लम. अगर मैथ्स छोड़ भी दोगे स्टिल यू कैन गो टू JBIMS. तो इतना इजी है तो आई कैन स्कोर 100 मार्क्स. मैथ्स नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आराम से 100 मार्क्स आएगा. बट इफ यू लुक अदर वे अराउंड, 95 परसेंटाइल इज 100 मार्क्स इन द CET पेपर. मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोग का 95 मार्क्स 95 परसेंटाइल आया, विच इज 100 मार्क्स आया. इसका मतलब CET नॉट दैट इजी. नंबर वन प्रॉब्लम इज ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को लगता है कि मैं निकाल लूंगा, ठीक है. एंड मेन, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम ऑफ CET एग्जाम. द मोमेंट आई डू मैथ, दिस इज द हैंड आउट आई एम डूइंग टुडे, सो दिस इज अ किक ऑफ वर्कशॉप. सो इफ यू वांट टू अटेंड दिस क्लास, सो यू कैन, इफ यू इन मुंबई सो प्लीज डू अटेंड इन द क्लासरूम सेशन. इफ यू आर नॉन मुंबई आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो. तो दिस इज अ नॉर्मल डर्टी क्वांट हैंड आउट, क्वांट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई डोंट नो इफ यू कैन सी हियर, बट दैट्स अ टिपिकल क्वांट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है. एनीवे यू कैन सी, ठीक है. पहले हम ये करेंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, देन वी स्टार्ट विद द विजुअल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, ऑल दिस डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है. द मेन एजेंडा टू शो यू दिस थिंग इज दैट CET में जो नए टॉपिक आते हैं उनको करना पड़ेगा, फाइन. तो इफ आई डू द ब्रेक ऑफ CET एग्जाम, सो लॉजिक 75 मार्क्स, उसमें से क्रिटिकल रीजनिंग इज 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन. क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एक ही बात है, 15 क्वेश्चन. देन पजल्स 30 क्वेश्चन एंड ट्रेडिशनल एलआर 30 क्वेश्चन. सो 15 क्वेश्चन फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, 30 क्वेश्चन फॉर पजल्स एंड 30 क्वेश्चन फॉर एलआर, फाइन. सो दिस इज माई फुल प्लान लाइक दिस. सो इफ यू आर इन मुंबई और पुणे, सो प्लीज विजिट द सेंटर एंड पिक अप दिस शीट. तो दिस शीट विल गिव द कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ कौन सा टॉपिक कितने मार्क का आया था, सो दैट आई कैन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर. तो अगर आप बॉम्बे में हो आप प्लीज़ ये लेके जाओ, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टार्ट एंड विच आर टॉपिक टू बी डन. ऑल आई वॉन्ट इज टू टिक मार्क इन दिस थिंग. इफ यू कैन कवर अप ऑल दिस टॉपिक बाई डिसंबर 31st, आई कैन प्रॉमिस यू 100 मार्क्स इन द CET पेपर. आराम से 100 टच होगा, विच इज 95% है. उसके बाद जे बी चालू होगा. सो थ्री सेक्शंस, विजुअल 25 क्वेश्चन वन सेक्शन, क्वांट टू सेक्शन, क्वांट इटसेल्फ 25 क्वेश्चन एंड DI 25 क्वेश्चन, वर्बल में रीडिंग वाले 25 क्वेश्चन एंड वोकैबुलरी ग्रामर 25 क्वेश्चन. सो दैट इज योर 200 मार्क का ब्रेकअप. एक एक लकड़ी तोड़ना बहुत ईजी है, 200 लकड़ी एक साथ तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड द पेपर इनटू 8 पार्ट. आपका दोस्त या आपने लास्ट ईयर CET दिया था तो यू अंडरस्टैंड द पेपर, यू कैन कंप्लीट द पेपर, पेपर छूटेगा. सो इफ आई ब्रेक अप इनटू सेक्शंस आई एम एबल टू परफॉर्म इन एवरी सेक्शन, ठीक है. सो दैट्स योर फर्स्ट टारगेट, गेट मी 10 मार्क्स इन ईच सेक्शन, 10 ईच ऑफ देम. यू आर स्कोरिंग 80 मार्क्स, 80% 80 मार्क्स इज 80%. देन वी मूव द टारगेट टू 90%, 95% विच इज 100 मार्क्स. Then we'll move the target. December 31st is your target to achieve this thing. Then Jan 31st, 120, and Feb 28, 140 is the target for JB. तो उसके लिए पहला काम करना पड़ेगा, मॉक देना पड़ेगा. So first thing first, I want to give one CAT CET का मॉक. CAT दे रहे हो, NMAT दे रहे हो, very good, देते जाओ. एक CET का मॉक दे दो, because जो वो CET को लेके कीड़ा है, if you are based in Maharashtra, यू विल बी फोकस ऑन CET. तो वो जो कीड़ा एक बार निकल जाएगा द मोमेंट यू गिव अ मॉक, ठीक है.
ताकि पता चले वेयर यू स्टैंड. एवरीबडी विदाउट प्रिपरेशन विल स्कोर बिटवीन 50 to 100 marks, 50 to 80 marks नॉर्मली. तो 50 है कि 70 है कि 80 है, आई जस्ट वॉन्ट टू मीट दैट स्कोर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट, आई वॉन्ट यू टू नो द स्कोर. सो देन वी कैन ब्रेकअप इन टू पार्ट्स. द मोमेंट यू हैव दैट स्कोर विद यू 50, 60, 70, 80, आई वॉन्ट द ब्रेकअप. सो द मोमेंट वी हैव द ब्रेकअप विल मेक अ प्लान, स्टडी प्लान ऑन हाउ टू अप्रोच सीईटी. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू हैव टू बी डन. फॉर ऑन द एग्जाम डे योर टारगेट स्कोर इज 60, 20, 30, 30. This is your 140 marks का breakup for JEE Mains. 60, 20, 30, 30. Logic is your Kohli, Virat Kohli. अगर इंडिया को मैच जीतना है तो विराट कोहली हैव टू स्कोर. सो योर कोहली हैव टू स्कोर इन द सीईटी पेपर. सो दैट्स यू हैव टू मेक श्योर दैट कोहली डज स्कोर. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर कॉन्फिडेंस. नंबर टू प्रॉब्लम इज अ न्यू पेपर पैटर्न. सीईटी पेपर पैटर्न हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली ओवर द ईयर्स. And none of the coaching classes, none matlab none of the coaching classes have improved their books or mocks as per the new paper pattern. ठीक है, आई हैव लॉन्च अ सीरीज ऑफ ऑल द चेंजेस विच हैव कम इन द सी ई टी पेपर. यू कैन द लिंक विल कम इन द एंड ऑफ द वीडियो, सो यू कैन सी ऑल द चेंजेस विच हैव कम. और यू कैन डू वॉट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर अवर सी ई टी की न्यू बुक्स. सो दिस अ बुक, सिक्स बुक्स का सेट. दिस सिक्स बुक्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर द सी ई टी एग्जाम. आप अपने कोचिंग वाले के पास जाके बोलोगे मेरे को सीईटी का बुक चाहिए, तो बोलेगा नहीं, कैट सीईटी एक ही बात है, कैट के लिए पढ़ लिया तो सीईटी अपने आप हो गया. जबकि सीईटी का प्रिपरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कैट एग्जाम. सो इन केस यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस सिक्स बुक्स, दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन. वी हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपेयरिंग सीईटी एंड क्रैकिंग जेबीआईएमएस इफ यू स्टार्ट टुडे. सो टारगेट जेबी सिद्धम सुमाया, ऑल दिस पीपल यू हैव टू टारगेट. सो वी नीड टू स्कोर इन द सीईटी पेपर. सो दैट्स अ किक ऑफ वर्कशॉप. एक मॉक दो, पहला काम करो एक मॉक दो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वे यू स्टैंड. 50, 60, 70, 80 जो भी आया स्कोर, इफ यू आर गिविंग कैट यू माइट स्कोर मोर, यू माइट गेट 80 marks, यू माइट गेट 90 marks ऑल्सो. बट द नंबर आई वॉन्ट, नंबर यू वॉन्ट. सो टारगेट नंबर वन, टास्क नंबर वन टूडे इज टू गिव वन सी ई टी मॉक. बाकी कैट की प्रिपरेशन करते जाओ. आई डू रिकमेंड ऑफिस इफ यू गिविंग कैट, लेट्स फोकस ऑन कैट ओनली. बट आई वॉन्ट टू गिव वन मॉक फॉर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वे यू स्टैंड टूडे. ठीक है, लेट्स किक ऑफ द सी ई टी प्रिपरेशन. वी हैव इनफ टाइम एंड वी कैन डू वंडर्स अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो. ठीक है, सो आई हैव गिवन द नंबर्स फॉर अवर सेंटर्स इन द कमेंट इन द डिटेल्स बिलो. प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर्स एंड प्लीज अटेंड द वर्कशॉप इफ यू कैन. इफ यू आर फ्रॉम नॉन मुंबई यू कैन गो टू cetking.com. cetking.com/cet and please download the sheet. ठीक है, I am pausing the video. Video को pause करो, जाके पहले ये download करो. This is a complete breakup of the CET paper. और आपके coaching वाले मुंह पे मारो कि भाई ये देख paper ऐसा आता है CET का. ठीक है, I don't want to name the coaching classes. Famous coaching classes are giving 50% lecture for maths. Maths के 50% lectures. और maths है कितने mark का? 25 mark का. आधे lecture they conducting for maths. विजुअल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एक लेक्चर. तो विजुअल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग आर कंबाइंड इन वन बुक एट सी ई टी किंग. दिस बुक इज फॉर 40 marks. एंड क्वांट का बुक इज 25 marks. डी आई का बुक इज 25 marks. अगर 25 marks भी कर लिया, एक एक बुक इज 25-25 marks. ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द एरियाज. ओके, सो किक ऑफ, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द सी ई टी एग्जाम. ठीक है, सो कॉल अस, मीट अस. इन केस यू आर नॉट इन मुंबई प्लीज डाउनलोड ऑन cetking.com/cet द पेपर. ऑन दैट लिंक दे विल टेल यू टू गिव योर नेम, नंबर, डिटेल्स, सो दैट वंस यू जॉइन दैट ग्रुप आई विल कीप सेंडिंग यू ऑल द अपडेटेड. विद एवरी वीडियो यू हैव टू डाउनलोड समथिंग बिकॉज यू ऑलवेज गिव टास्क. सो दैट टास्क विल बी अवेलेबल इन योर ईमेल आई डी बिफोर हैंड. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ जॉइनिंग द ग्रुप. ठीक है, सो प्लीज जॉइन दैट ऑनलाइन अस, जॉइन अस ऑन cetking.com/cet. So let's kick off the CET preparation. Fine. I've also updated the, I'm also going to start the WhatsApp group. Again, cetking.com/cet. I will be creating WhatsApp group. So in case you can join the WhatsApp group so that we can prepare together for the CET exam. Alright, so all the best. That's all I wanted to cover up in this video. And thank you very much for watching. So let's hope you get the good college. Okay, all the best. Thank you.